एक बड़ी खबर इस वक्त की, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अपने ही घर में अब लोग घिरते देख रहे हैं। अब कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के प्रीमियर डेविड एबी ने ट्रूडो को आईना दिखाया है। डेविड एबी ने कहा है कि ट्रूडो ने जो दावे किए वे पहले से इंटरनेट पर मौजूद हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन्हें जो जानकारी दी गई वो ओपन सोर्स इन्फो है और सबूतों के मामले में इनके पास कुछ भी नहीं है, जिस तरह के बयान ट्रूडो ने दिए। ऐसी बीमारी से पब में क्या गया, जहां प्रधानमंत्री ने G20 की बैठक के दौरान बढ़िया काम करने वाले सभी जवानों की प्रशंसा की। आप सबने मिलकर के देश का नाम रोशन किया है, शायद लोगों को पता भी नहीं होगा कितने लोग होंगे, कितना काम किया होगा। भारत मंडपम में ये कार्यक्रम उन जवानों के सम्मान में ही आयोजित किया गया। उधर संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण वाले बिल के पास होने के बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी दफ्तर में महिलाओं ने फूलमालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया और सामने आई तस्वीरों में प्रधानमंत्री वहां मौजूद महिलाओं के पैर छूते दिखाई दिए, जिसके बाद महिलाओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि नारी शक्ति मंदन अधिनियम देश के भाग्य को बदलने का काम करे। वहां अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इस बिल को कई पीढ़ियों तक याद करने वाला बताया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला किया। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में अपने संबोधन में पीएम ने यह आरोप लगाया कि विपक्ष कभी भी इस बिल पर गंभीर नहीं रहा। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बिल के नए नाम को लेकर भी विपक्ष पर वार किया। कुछ लोगों को इस बिल पर तकलीफ थी कि नारी शक्ति वंदना शब्द क्यों लाया। इस दौरान पीएम ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ये तंज कस दिया कि जो लोग बिल भाड़ा करते थे उन्हें भी मजबूरी में साथ आना पड़ा। इधर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिले। 23 अगस्त को लैंडर विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था और तभी से लैंडर और रोवर वहां मौजूद। और पृथ्वी के 14 दिनों तक लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा से जुड़ी कई अहम जानकारियां भेजी, लेकिन चंद्रमा पर दिन खत्म होने के बाद इस महीने की शुरुआत में दोनों को सुला दिया गया था। हालांकि लैंडर और रोवर के रिसीवर ऑन रखे गए थे और लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डालने से पहले दोनों की बैटरी को फुल चार्ज किया गया था। रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया था कि सुबह होने पर सूर्य की रोशनी सीधे उसके सौर पैनलों पर पड़े। इसरो के मुताबिक पृथ्वी के 14 दिन गुजरने के बाद चंद्रमा पर एक बार फिर सूरज की रोशनी पहुंचने लगी। इसके बाद इसरो के कमांड सेंटर से लैंडर और रोवर से संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिले। हालांकि वैज्ञानिक लगातार उनसे संपर्क करने में जुटे हैं। उधर चीन के हांगजो शहर में होने वाले 19वें एशियन गेम्स में चीन ने भारत के 3 खिलाड़ियों को एंट्री देने से इनकार कर दिया। अरुणाचल प्रदेश के 3 एथलीट भी एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन उन तीनों वुशु खिलाड़ियों को चीन ने वीजा देने से इनकार कर दिया, जिस पर बवाल हो गया। यही नहीं, ये मामला सामने आने के बाद भारत के बड़े अधिकारियों ने एशियन गेम्स के आयोजकों से इस पर एतराज जताया।